अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 14 की सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बॉलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जिक्र किया था। आज की इस वीडियो में हम द कंसेप्ट ऑफ कर्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म कर्टोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। दिस वर्ड लिटरली मीन्स द अमाउंट ऑफ हम्प एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पिगनेस। ये असल में पिगनेस की को रिप्रेजेंट करता है और या प्लेटनेस को। इसको जो तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, लेप्टोकॉर्टिक, प्लेटिकॉर्टिक और मेसोकॉर्टिक। इससे पहले कर्टोसिस को किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था? इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था कार्ल पियर्सन ने। और इस वर्ड्स का मतलब यह है कि द अमाउंट ऑफ हम्प और इट इज़ यूज द रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पिगनेस और प्लेटनेस। ये प्लेटनेस या पिगनेस की जो डिग्री है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हम लेप्टोकॉर्टिक के बारे में पढ़ते हैं कि लेप्टोकॉर्टिक वो होगा जिसकी जो पिगनेस हो सबसे हाइएस्ट होगी, यानी द टॉलेस्ट वन आर कॉल्ड। जो सबसे टॉलेस्ट होगा उसको हम लेप्टोकॉर्टिक कहेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी रिप्रेजेंटेशन सबसे टॉलेस्ट हो, जिस तरह आपको नजर आ रहा है इस ग्राफ में। फिर नेक्स्ट प्लेटिकॉर्टिक होगा, द प्लेट वन इज कॉल्ड द प्लेटिकॉर्टिक। जो सबसे ज्यादा प्लेट हो उसको हम कहेंगे द प्लेट वन इज कॉल्ड द प्लेटिकॉर्टिक। यह प्लेटिकॉर्टिक है, ये ग्राफ है, आपको नजर आ रहा है। फिर इसके बाद मेसोकॉर्टिक है, जिसका मतलब द इंटरमीडिएट वन इज कॉल्ड द मेसोकॉर्टिक। जो नॉर्मल हो, न ज्यादा टॉलेस्ट हो न ज्यादा प्लेट हो, तो इसको फिर हम कहेंगे द मेसोकॉर्टिक। अच्छा, फिर इन तीनों को, यानी लेप्टोकॉर्टिक या प्लेटिकॉर्टिक या मेसोकॉर्टिक, इसको हम इस पिगनेस को या प्लेटनेस को हम किस तरह पॉइंट करेंगे? अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी मेजर द डिग्री ऑफ पिगनेस और प्लेटनेस। कि हम जिस तरह बात करते हैं कि पिगनेस या प्लेटनेस को हम किस तरह मेजर करेंगे, कि सबसे टॉलेस्ट वन हो तो इसको हम लेप्टोकॉर्टिक कहते हैं, और जो सबसे जो इंटरमीडिएट हो तो हम इसको कहते हैं मेसोकॉर्टिक, और जो सबसे प्लेट हो तो हम इसको कहेंगे प्लेटिकॉर्टिक। लेकिन हाउ वी मेजर दिस द डिग्री ऑफ पिगनेस और प्लेटनेस, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। वी मेजर दिस ऑन द बेस ऑफ द कॉर्डाइल एंड परसेंटाइल। क्या इक्वल टू कॉर्डाइल डिविएशन? हमें सबसे पहले कॉर्डाइल डिविएशन फाइंड करना है। कॉर्डाइल डिविएशन के लिए आप या टॉपिक नहीं है कि हाउ वी पॉइंट टू कॉर्डाइल डिविएशन, इसके लिए आप अलग वीडियो देखें। डिवाइडेड बाई परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10, इसकी पिगनेस या प्लेटनेस हमें इससे मालूम होगा। अच्छा, तो ये हैंड आउट से आपकी, यहाँ पर आप इसको नोट कर लें। इसमें जो सबसे टॉलेस्ट वन है ये लेप्टोकॉर्टिक है, फिर इस तरह मेसोकॉर्टिक है, और फिर इसकी प्लेटिकॉर्टिक है। यहाँ पर लिखा है कि द टॉलेस्ट वन इज कॉल्ड लेप्टोकॉर्टिक, ये तो हमने पहले डिस्कस किया है, और फार्मूला वो है जो आप कुछ सेकंड पहले मैंने बताया कि k इक्वल टू कॉर्डाइल डिविएशन डिवाइडेड बाय परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। दिस इज नोन एज परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। इसको कहते हैं परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। यहाँ पर आप नोट कर लें कि इट हैज बीन शोन दैट के फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.263। के जो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो क्या होगा, 0.263 होगा, एंड डेट इट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.50। अच्छा, फिर इसके बाद इन केस ऑफ लेप्टोकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, जब लेप्टोकॉर्टिक हो टॉलेस्ट, द परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कम्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरह टू बी लेस देन 0.263 से जब लेस देन होगी तो इट्स मीन यहाँ पर क्या है, लेप्टोकॉर्टिक है। एंड इन द केस ऑफ प्लेटिकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, जब प्लेटिकॉर्टिक हो तो परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0.263। जब 0.263 से इसकी वैल्यू, यानी इस के की वैल्यू जब इस 0.263 से ग्रेटर हो तो हम कहेंगे प्लेटिकॉर्टिक है, और जब लेस देन हो तो हम कहेंगे कि ये लेप्टोकॉर्टिक है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट्स। अच्छा, इसके बाद इस लेक्चर में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मोमेंट्स के बारे में, और इंशाल्लाह मोमेंट्स के लिए आप अगली वाली वीडियो देखें।